Hello everyone! So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic inheritance of two genes. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board All India Examination 2016. So the question is give a genetic explanation for the following cross. When a taller pea plant with round seeds was crossed with a dwarf pea plant with wrinkled seeds then all the individual of F1 populations were tall with round seeds. F1 तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब हमने टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड्स को क्रॉस करवाया डॉफ पी प्लांट विद्रिंकल सीड्स के साथ तो हमारे पास F1 वन पॉपुलेशन में सारे टॉल प्लांट्स आया विद राउंड सीड्स उसके बाद जब हमने F1 एन पॉपुलेशन की सेल्फिंग कराई तो हमारे पास फिनोटिक रेशियो आया नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन तो हमें इस क्रॉस का जेनेटिक एक्सप्लेनेशन देना है सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा सबसे पहले क्रॉस बना के देख लेते हैं हमें दिया था टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड्स हमें पता है टॉल कैरेक्टर और राउंड सीड कैरेक्टर दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं तो इस प्लांट का जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी हो सकता है फिर हमने इसका क्रॉस करवाया डॉफ पी प्लांट रिंकल सीड्स के साथ और हमें पता है ड्वाफ और रिंकल दोनों ही रेसिस कैरेक्टर है तो इसका जीनो तो हम इजिल फाइंड कर सकते हैं रेसिसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होते हैं जब होमोजाइगस जीनो होता है तो इसका जीनो हो जाएगा जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर अब क्योंकि हमने एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट का क्रॉस करवाया एक रेसिसिव पेरेंट के साथ तो ये एक टाइप का टेस्ट क्रॉस हो गया आल्सो हमें दिया था कि एफ वन पॉपुलेशन में सारे प्लांट्स टॉल और राउंड सीड वाले आए तो हमें पता चल गया कि एफ वन पॉपुलेशन में सारे प्लांट्स डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आए एंड वी नो दैट कि अगर टेस्ट क्रॉस के बाद एफ वन जनरेशन में सारे प्लांट्स डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ आते हैं तो जो प्लांट होता है उसका जीनोटाइप होता है होमोजा डोमिनेंट तो इसीलिए हमारे टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर क्लियर बेटा अब इनके गेमिट्स देख लेते हैं जो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर वाला प्लांट होगा उसके गेमिट्स होंगे कैपिटल टी कैपिटल आर और जो स्मॉल टी स्म टी स्माल स्मॉल आर वाला प्लांट होगा इसके सारे गेमिट्स होंगे स्मॉल टी स्मॉल जब बेटा ये गेमिट्स फ्यूज करेंगे तो हमारे पास एफ एन जनरेशन में सारे प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप वाले आएंगे और इन सब का फिनोटाइप होगा टॉल एंड राउंड क्लियर अब जब हम F1 वन जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे बेटा तो हमारे पास फोर टाइप की गेमीट्स आएंगे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर जब इन गेमीट्स का हम फ्यूजन कराते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स और डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप आते हैं जिनको आप इस पुनेट स्क्वायर की हेल्प से चेक कर सकते हैं अगर हम इनका फिनोटिक रेशियो देखें बेटा तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आता है टॉल राउंड इज टू टॉल रिंकल्ड इज टू डॉफ राउंड इज टू डॉफ रिंकल्ड नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन क्लियर ये बेटा इसीलिए होता है क्योंकि जो टॉल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है और जो राउंड सीट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है उनका जो असॉर्टमेंट है उनका जो सेग्रीगेशन है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने डाहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे Clear? So, genetic basis, law of independent assortment. This law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. So, I hope this question is clear to you. Thank you.